हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो है ये ब्यूटीफुल सा कैलेंडुला का प्लांट। ये विंटर्स में फ्लावरिंग करने वाला, बहुत आसानी से लगाया जाने वाला प्लांट है। फ्रेंड्स, मैंने इस प्लांट को सितंबर के मंथ में सीड से ग्रो किया था। आप चाहें तो नर्सरी से भी इसे लेकर आ सकते हैं। नर्सरी से लाने के बाद आप इसे आसानी से कोई भी गमले में लगा सकते हैं, चाहे तो प्लास्टिक, चाहे तो मिट्टी के गमले में। इसकी मिट्टी बनाने के लिए आप एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा किसी भी तरह की खाद का मिश्रण ले लीजिए और उसे मिक्स करके उसमें इसको लगा दीजिए फ्रेंड्स। और इसके ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू कर देता है और इसके फ्लावर्स कई दिनों तक बने रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में कंटिन्यूस फ्लावरिंग होती रहे, तो आप जो इसके फ्लावर्स जो ख़त्म हो जाते हैं, जो सीड्स बनने लगते हैं, उन्हें तोड़ते जाएँ तो आपका प्लांट कंटिन्यूस फ्लावरिंग करता रहेगा। ये एक हार्डी प्लांट है और जो फुल सन में या पार्शियल शेड में भी इसे आप लगा सकते हैं। और इसमें पानी डालने का तरीका यही होगा कि आप इसमें, अगर मिट्टी के गमले में लगाया है तो आप इसमें डेली पानी डालिए, और अगर प्लास्टिक के गमले में लगाया है तो पानी को थोड़ा सूख जाने दीजिए। अगर आप इसमें पानी की कमी कर देते हैं तो जो इसकी पत्तियाँ होती हैं वह मुरझा सी जाती हैं और लटक जाती हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपने कहीं पर वेजिटेबल गार्डन बनाया हुआ है तो इस प्लांट को आप आसपास लगाएं ताकि जो इसके फ्लावर्स हैं उसमें बीज आए और बीज से आपके जो दूसरे प्लांट्स हैं वो भी पॉलिनेट हो पाएँ और उनमें फल बन पाए। एक सवाल और होता है जो अक्सर लोगों के मन में आता है, वो ये जानना चाहते हैं कि हमने जिस प्लांट को लगाया हुआ है तो वो क्या पॉइजनस है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है। इसके जो लीव्स होते हैं, इसकी जो पत्तियां हैं और जिसके फूल हैं, ये सब एडिबल हैं। तो अगर आपके डॉग्स वगैरह इस प्लांट के आसपास घूमते हैं तो उनको इससे कोई नुकसान नहीं होता है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फ्रेंड्स, जिस भी प्लांट में हैवी फ्लावरिंग होती है, ब्लूमिंग होती है, तो उस प्लांट को फर्टिलाइज़र जल्दी जल्दी चाहिए होता है। तो मैं तो मेरे प्लांट्स में या तो वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, सरसों खली को लिक्विड बना के, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर काउडंग मेन्योर डालती हूँ। तो वो मैं ये सारी चीज़ें मैं हर 10 दिन में एक बार डालती हूँ। किसी मतलब इनमें से कोई एक ही चीज़ मैं डालती हूँ, वो 10-10 दिन के इंटरवल में डालती हूँ ताकि मेरा प्लांट कंटिन्यूस फ्लावरिंग करता रहे। प्रोपगेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, हाँ, इस प्लांट को हम सीड से भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ हम इसकी कटिंग से भी इसे लगा सकते हैं। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल और होता है कि मेरे प्लांट की पत्तियां पीली होने लगी और प्लांट मरने लगा है। तो फ्रेंड्स, अक्सर होता ये है कि हम हमारे प्लांट की डेड हेडिंग नहीं करते हैं, उसके पुराने फ्लावर्स को नहीं हटाते हैं, इस कारण प्लांट सीड्स बनाने लगता है। और जब प्लांट सीड्स बनाने लगता है तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है, ख़त्म होने लगता है। तो इस समस्या से बचने का एक ही तरीका है कि हम प्लांट के सीड्स को हटाते रहें। और जब इसका सीज़न एंड होने लगेगा, मतलब मार्च या अप्रैल में, आपके, हम तो सेंट्रल इंडिया में हैं और हमारे यहाँ पर अप्रैल तक बहुत तेज़ गर्मी आ जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो ये प्लांट उस समय सर्वाइव करना इसका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसके सीड्स को कलेक्ट करने के लिए उसके जो सीड्स हैं प्लांट पे छोड़ देती हूँ और उसी पे सूखने देती हूँ। जब वो सूख जाता है उस पर, तो उस पे से तोड़कर मैं उसे कलेक्ट करके रख लेती हूँ नेक्स्ट सीज़न के लिए। इसके सीड्स को आप कलेक्ट करके कागज़ में लपेट कर बंद डब्बे में रख दीजिए और वो नेक्स्ट सीज़न तक बहुत ही आसानी से प्रिजर्व हो जाते हैं। ये जो मेरे प्लांट्स हैं वो पुराने ही सीड से लगाए गए हैं, तो आप ही ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें इस प्लांट के बारे में मैंने आपसे शेयर कर दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।